मेरे परिवारजनों, भाजपा की डबल इंजन की सरकार बहनों बेटियों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। कांग्रेस ने तो सिर्फ गिने चुने परिवारों के बेटे बेटियों को ही सशक्त किया, भाजपा हर परिवार की बेटियों को सुविधा, सुरक्षा और सशक्तिकरण से जोड़ रही है। कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण को लटकाती रही और कांग्रेस के लिए लटकाना, भटकाना, अटकाना उनके चरित्र का हिस्सा है। मोदी ने बहनों बेटियों को दी गारंटी, वो भी पूरी कर दी। मोदी ने खदानों से लेकर सेना के अग्रिम मोर्चे तक हर दरवाजे बेटियों के लिए खोल दिए हैं। आज बेटियां सेना में भर्ती हो रही है, उनके लिए सेनाओं में अफसर बनने के नए रास्ते खुले हैं। सीआरपीएफ सहित हमारे सभी केंद्रीय बलों में बेटियों की संख्या तो बीते 10 वर्षों में 2 गुनी से अधिक हो चुकी है। पुलिस भर्ती में भी बेटियों की संख्या कहीं अधिक हो चुकी है। साथियों, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने भी महिला सशक्तिकरण के लिए अद्भुत काम किया है। पूरे देश में इसकी प्रशंसा हो रही है। लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना से बहनों बेटियों को बहुत मदद मिल रही है।